हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की। माई सेल्फ रवीना बिश्नोई और हम कर रहे हैं फ्रेंड MBPSC 2019 प्रीलिम टेस्ट सीरीज एंड दिस इज टेस्ट पेपर 11। और ये जो टेस्ट सीरीज हैं फ्रेंड्स, ये कंप्लीट करती हैं आपका प्रीलिम्स का सिलेबस टिल जनवरी 2019 तक। और अभी हमारा 40-45% जो सिलेबस है वो नियर अबाउट कम्प्लीट हो गया है। आप इसे ज्वाइन कीजिए, जिन्होंने भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो पे नई टेस्ट की मिलती रहे। और लाइक बटन को प्लीज प्रेस कीजिए। दिस इज माय सेल्फ रवीना बिश्नोई, आई एम एन एजुकेटेड एट अन अकेडमी। आप मेरे द्वारा बनाए गए डिफरेंट कोर्सेज अन अकेडमी पे देख सकते हैं। दिस इज द लिस्ट, ठीक है। एंड जो हमारा ये सक्सेस की है, इसके अंदर हम 4 कीज आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइक 4 टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। 2 टेस्ट आपके मंडे वेडनेसडे में स्टैटिक सिलेबस से लिए जाते हैं, एक आपका करंट अफेयर्स का होता है टेस्ट और एक आपका फुल लेंथ टेस्ट होता है, और साथ में इसके अंदर MP भी कवर अप होती है, ठीक है। जो वेरियस बुक लिस्ट हम NCERT को सबसे पहले कवर करते हैं, उसके बाद में हम स्टैंडर्ड बुक्स पे जाते हैं। और ये सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए हमने पढ़नी बहुत जरूरी होती है, वो यहाँ पे आपकी कवर अप होती है, और विद लूसेंट एंड विद MP का GK, ठीक है। जो सिलेबस अभी तक हमने कवर अप कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक भी मिल जाएगा, जो जिस टेस्ट से सिलेबस से जो टेस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कि हमने एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री कवर अप कर ली है, पॉलिटी के भी हमने कुछ जो स्टैंडर्ड बुक NCERT से कुछ बुक्स कवर अप कर ली हैं, ज्योग्राफी की भी हमने 6th, 7th, 8th की NCERTs कवर अप कर ली हैं, इकोनॉमिक्स की भी हमने क्लास 9th, 10th की NCERTs कवर अप कर ली हैं। तो बहुत सारी NCERTs हमने अभी तक कर ली हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटी की, और हमने एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री भी कवर अप कर ली है। तो आप देख सकते हैं, और इसके लिंक के अंदर आप जाके अपना टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। दिस टेस्ट इज कवर द होल करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी का पूरा करंट अफेयर है जो यहां पे आपका कवर अप किया जाएगा विद MP का करंट अफेयर, ठीक है। तो ध्यान से आंखें खोल के पढ़िए ताकि आपका जो फरवरी के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे यहां पे आपके कवर अप कर लें, ठीक है। आई थिंक आप सभी आप पढ़ के आए होंगे, क्योंकि जो मैंने यहां पे जो बनाया वो हिंदू PIB और जो MP के GK के लिए मैंने बहुत सारे MP के करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन सोर्सेज से मटेरियल इकट्ठा किया और कुछ बुक लिस्ट भी दी हैं, यूज़ की हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा जो करंट अफेयर है वो मिल जाएगा। अभी जो मैंने जो पिछली जो सीरीज़ आई थी करंट अफेयर्स की, उसके अंदर जनवरी के कुछ डेज बाकी रह गए थे, वो मैंने यहाँ पे कवर अप किए हैं, और फरवरी के डेज भी पूरे कवर अप किए हैं। तो 15th Jan इज़ आर्मी डे, 24th Jan इज़ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी होता है, और नेशनल टूरिज्म डे भी बनाया जाता है। 26 जनवरी को सभी को पता है रिपब्लिक डे बनाया जाता है, और अब की बार हमारे रिपब्लिक डे के अंदर एशियान के मेंबर सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। 27 जनवरी इज इंटरनेशनल होलोकास्ट डे। ये इंटरनेशनल होलोकास्ट डे जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसमें बहुत सारे जूस की जो हत्या कर दी गई थी, मर्डर कर दिया गया था, उनकी कमेमोरेट करने के लिए इंटरनेशनल होलोकास्ट डे बनाया जाता है। 26 जनवरी इज इंटरनेशनल कस्टम डे। 28 जनवरी डाटा प्राइवेसी डे। 30th जनवरी इज मार्टियर्स डे, जो महात्मा गांधी की जो डेथ हुई थी 30th जनवरी को, उसकी जगह पे ये शहीदी दिवस बनाया जाती है। नेक्स्ट इज लेप्रोसी प्रिवेंशन डे, भी 30 जनवरी को बनाया जाता है, और सर्वोदया डे भी 30 जनवरी को ही बनाया जाता है। तो दिस इज़ ऑल डे ऑफ जनवरी, और उससे पिछले में 15 से पहले के जो डेज थे वो मैंने उस लिस्ट में कवर अप कर दिए थे, आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी। अब ये फरवरी के पूरे डेज हैं, तो ये थोड़े लिस्ट बढ़िया थोड़े ध्यान से देखिएगा। 1st फरवरी इज इंडियन कोस्ट गार्ड एनिवर्सरी, जो 41st एनिवर्सरी अभी बनाई गई 1st फरवरी को, इंडियन कोस्ट गार्ड एनिवर्सरी। 2nd फरवरी इज वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। 4th फरवरी इज वर्ल्ड कैंसर डे, कैंसर को इसकी जानकारी इंफॉर्मेशन और ज्यादा बढ़ाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे कमेमोरेट किया जाता है। 6th फरवरी जीरो टॉलरेंस डे फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, ठीक है। ये जो जेनाइटल म्यूटिलेशन है, ये जो मुस्लिम समुदाय है, सुन्नी और शिया मुस्लिम होता है, ये कुछ जेनाइटल ऑर्गन्स के म्यूटिलेशन कर देते हैं गर्ल्स के अंदर, तो ये उनके लिए बोला जाता है कि हम अभी इन्हें टॉलरेट नहीं किए देंगे इसकी जागरूकता फैलाने के लिए। सो जीरो टॉलरेंस डे जो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज 10th फरवरी इट्स नेशनल डी वार्मिंग डे, मतलब हेल्थ के लिए जानकारी जागरूकता बढ़ाने के लिए, डी वॉर्म्स करने के लिए, वॉर्म्स को खत्म करने के लिए नेशनल डी वार्मिंग डे बनाया जाता है। 11th फरवरी इज यूनानी डे, ठीक है। 11th फरवरी यूनानी डे के लिए बनाया जाता है, और ये जो हकीम अजमल खान जी का जन्मदिन होता है इस दिन। नेक्स्ट इज 12th फरवरी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 13th फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे,
14 फरवरी आपको मालूम ही होगा, वो मैं नहीं बताऊंगी। इट्स 20th फरवरी, इट्स वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस के लिए वर्ल्ड डे बनाया जाता है। 21st फरवरी इंटरनेशनल मदर डे, 24th फरवरी सेंट्रल एक्साइज टैक्स डे, 28th फरवरी नेशनल साइंस डे, एंड 2nd ऑफ मंडे को जो फरवरी के दिन वर्ल्ड एपिलेप्सी डे बनाया जाता है। तो दिस इज ऑल डे ऑफ फरवरी आर कंप्लीटेड हियर, ठीक है। आप इनको ध्यान से रुक के पॉज करके या डाउनलोड करके जैसे भी देख लेंगे, मैं इनकी पीडीएफ भी दे दूंगी आपको, ठीक है। द नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश के, सबसे पहले हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, फरवरी की जो करंट अफेयर्स है 2018 की, इसमें सारे करंट अफेयर्स आपके कवर अप हो जाएंगे एमपी से, ठीक है। नेक्स्ट इज ई लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स ओपन डैट, एक ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट लाया गया है ब्लाइंड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, कहाँ पे ओपन हुई है एमपी के अंदर, रीवा, जबलपुर, भोपाल और दतिया। द आंसर इज बी, इट्स इन जबलपुर, जिसे नाम दिया गया है सुगम्या पाठशाला, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी बुक्स उन्हें, मतलब 3000 से कुछ जो उन्हें ऑफलाइन भी दी जाती है, कुछ उन्हें ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। रीवा के अंदर जो बना है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है बाय इंडस्ट्री मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला ने इसको इनॉग्रेट किया था, 10 एकड़ की जमीन पर यह एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ठीक है। डी, दतिया के अंदर जो है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ठीक है, ये डी दतिया से बिलोंग करती है माखनलाल चतुर्वेदी। अगर आप अब ये फ्रेंड्स, ये आपको लगने में कुछ क्वेश्चन कम लग रहे होंगे, बट हर क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन अलग मिलेंगे, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जितने आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। मैंने अलग अलग ना लेके इकट्ठे एक में ही सभी बता दिए आपको, तो ये हर एक फैक्ट अलग अलग है इसमें। कि रीवा के अंदर आपका क्वेश्चन है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा, इट्स इन रीवा। अगर नाम आए कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी, दतिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट टॉप इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, कौन सा स्टेट ने टॉप किया ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारा जो सिक्किम है, जो उसने वर्ल्ड का ऑर्गेनिक फार्मिंग का नंबर 1 आया है, और इंडिया का तो होगा ही ऑब्वियसली, तो यहां पे आंसर होगा सिक्किम। बट एमपी के प्रोस्पेक्ट से कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी के अंदर जो है लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब सिक्किम देखते हैं कि आप छोटा सा स्टेट है, हमारे यहाँ पे एरिया ज़्यादा में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, लार्जेस्ट एरिया अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एमपी के अंदर है, 48,000 हेक्टेयर लैंड इज इन अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। द नेक्स्ट इज भारत भवन इज सिचुएटेड एट, भारत भवन कहाँ पे है, भोपाल, दिल्ली, इंदौर या यूके के अंदर। आंसर इज सिंपल, दैट इज इन भोपाल के अंदर है, ये इसकी 36th एनिवर्सरी बनाई गई थी अभी, और 1982 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कब एस्टैब्लिश हुआ था, ओके। द नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क इनॉग्रेटेड एट, मध्य प्रदेश का सबसे पहला बटरफ्लाई पार्क, तितलियों के लिए पार्क जो तितलियों का संरक्षण करता है, वो कहां पे इनॉग्रेट हुआ, रीवा, रायसेन, सागर और दमोह। द आंसर इज बी, एट रायसेन, गोपालपुर के अंदर। इसके अंदर 65 वैरायटीज बटरफ्लाईज की लाके रखी गई हैं, इन्हें यहां पे कंजर्व किया जाएगा, इनके लिए अगर बटरफ्लाई को कंजर्व, बटरफ्लाई क्यों होंगे, क्योंकि वहां पे पौधे होंगे। इसके अंदर 3500 से भी ज़्यादा जो है प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं, जहाँ पे ये अपनी ब्रीडिंग वगैरह सब कर सकती हैं, ठीक है। इसे इनॉग्रेट किया था फॉरेस्ट मिनिस्टर गौरीशंकर सेजवार जी ने, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एमपी के अंदर ही पहला बटरफ्लाई पार्क है, नहीं, इससे पहले यूपी कानपुर के अंदर भी बटरफ्लाई पार्क का इनॉग्रेशन हो चुका है, ठीक है। द नेक्स्ट इज फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, 5वीं फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है, के एम आचार्य, मिलिंद वाइकर, हिम्मत कोठारी या भास्कर चौबे। द आंसर इज सी, हिम्मत कोठारी इसके चेयरमैन है, पर इसके अंदर अदर जो 2 मेंबर्स होते हैं वो है के एम आचार्य और मिलिंद वाइकर, ठीक है। और जो भास्कर चौबे जी हैं वो इंटरिम हेड बनाए गए मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको भास्कर चौबे जी, ठीक है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस वर्कशॉप लॉन्च्ड बाई, अब इंटरनेशनल हैप्पीनेस वर्कशॉप का लॉन्च कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, भोपाल और उज्जैन। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पे हैप्पीनेस मिनिस्ट्री है एमपी के अंदर, और ये पहली ही इंडिया के अंदर पहली स्टेट थे जिसने हैप्पीनेस मिनिस्ट्री का लॉन्च किया था, और ये जो हैप्पीनेस वर्कशॉप होगी वो भी एमपी के अंदर ही होगी, वो एमपी में कहाँ हुई, भोपाल के अंदर हुई। किसकी, इसके साथ हमने कोलैबोरेट किया था आईआईटी खड़गपुर से साथ हमने कोलैबोरेट किया था, और इसको बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पे हमारे साथ पार्ट लिया था, ठीक है। यूएसए वगैरह काफ़ी कंट्रीज थे जिन्होंने यहाँ पे, सऊदी अरेबिया वगैरह काफ़ी कंट्रीज ने यहाँ पे इसमें पार्ट लिया, ठीक है। पंच परमेश्वर पोर्टल गॉट अ गोल्डन आइकॉनिक पोर्टल एट अ नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस एट हैदराबाद रिलेट्स टू, जो पंच परमेश्वर पोर्टल है जिसे गोल्डन आइकॉनिक पोर्टल का नाम से उसे, मतलब उसे अवार्ड दिया गया है नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो हैदराबाद के अंदर हुई थी फैब में, तो
ये पोर्टल किससे बिलोंग करते हैं? अर्बन डेवलपमेंट, कैशलेस ग्राम पंचायत फाइनेंसिस, कैशलेस रूरल एम्प्लॉयमेंट फंड और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। द आंसर इज बी, ये कैशलेस ग्राम पंचायत फाइनेंसिस को कैशलेस करने के लिए, मतलब कि जो ब्लॉक से पंचायत वगैरह को जो स्टेट मिनिस्ट्री से जो पंचायत वगैरह को जो पैसे दिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से वहाँ पे जो पैसे दिए जाते हैं उनको कैशलेस बनाने के लिए, उनके अंदर जो लेन देन होता है उनको कैशलेस करने के लिए ये पोर्टल लगाया गया है, पंच परमेश्वर पोर्टल। ठीक है, ये पहला है इंडिया के अंदर जो ऐसा पोर्टल बनाया गया किसी स्टेट ने। नेक्स्ट इज अवनी चतुर्वेदी, दैट इज फर्स्ट फीमेल टू फ्लाई सोलो फाइटर जेट इज फ्रॉम, जो अवनी चतुर्वेदी, इनके साथ तीन और भी फाइटर जेट उड़ाने वाली महिलाएं हैं, बट ये जो एक पहली जो महिला जिन्होंने सोलो फाइटर जेट उड़ाया, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं? भोपाल, इंदौर, रीवा या रतलाम? ये एमपी की हैं और ये रीवा से बिलोंग करती हैं। इसी के साथ साथ ही तीन और महिलाओं को फाइटर जेट उड़ाने की जो थी उनको अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, तो उनके नाम भी आपको देखने होंगे कि वो कौन कौन से हैं, और हमारी एमपी से हैं वो अवनी चतुर्वेदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेस वेयर प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर फाउंड, जो प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर मिले हैं बहुत ही पुराने, जिन्हें बोला गया 150 लाख साल पुराने, काफ़ी पुराने जो रॉक शेल्टर्स मिले हैं वो टीकमगढ़, रायसेन, सागर या मंदसौर, ये मिले फ्रेंड। रायसेन के अंदर पत्थर जैसे मिले हैं अलग यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो खुदाई थी 2010 से 2015 तक, ये पूरा जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेविशन यहाँ पे चल रही थी 6 साल से, और ये बोला गया कि ये रिलेट करते हैं अफ्रीका की जो सिविलाइजेशन है वहाँ से, ये रिलेट करते हैं रायसेन के जो हमें यहाँ पे जो रॉक शेल्टर्स मिले हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनता है सागर से, सागर के अंदर एक रिहास फेस्टिवल इनॉग्रेट किया था जो हमारी गवर्नर आनंदीबाई पटेल है, आनंदी बहन पटेल हैं जो पहले गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं, तो इनके द्वारा रिहास फेस्टिवल ऑर्गेनाइज अगर पूछा जाए कहाँ किया, तो वो किया गया था सागर में। अब मंदसौर क्यों इंपॉर्टेंट है, मंदसौर का नाम क्यों उठ गया है, क्योंकि मंदसौर के अंदर लेक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था फरवरी के अंदर ही, गांधी सागर डैम जिन्हें हनुवंतिया के नाम से हम जानते हैं कि वहाँ पे जो टूरिज्म फेस्ट लगा था, यहाँ पे लेक फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, बहुत सारे इवेंट यहाँ पे होते, 30 से ज़्यादा इवेंट काफ़ी सारे उन्होंने यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी ने इसे इनॉग्रेट किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये पहला ही ऐसे प्रकार का फेस्ट था। ठीक है, एमपी सेंड द 3 pair ऑफ टाइगर्स टू विच स्टेट, एमपी अपने 3 pair जो बाघ के 3 pair कौन से स्टेट को देगा, दैट इज गुजरात, असम, ओडिशा या उत्तराखंड। द आंसर इज सी, ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में अपने 3 pair ऑफ टाइगर को भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही टाइगर का पेयर रह चुका है, और जिसको जिन्होंने अपनी जो जिंदगी थी जीने की वो खत्म कर ली है, मतलब अब बहुत ही कम टाइम रह गया, अभी कब पता कब वो चले जाएं, तो इसलिए वहां पे टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए यहां से 3 pair ऑफ टाइगर्स के भेजे जाएंगे। कौन से टाइगर रिजर्व से भेजे जाएंगे तो वो भी बताना चाहिए, कान्हा टाइगर रिजर्व से भेजे जाएंगे। ठीक है, महक जैन इज बिलोंग टू द विच स्पोर्ट, महक जैन किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, फुटबॉल, टेनिस, शटलर और कराटे? द आंसर इज बी, वो टेनिस से बिलोंग करती हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था नेशनल टेनिस टूर्नामेंट में। ठीक है, अब जो सी शटलर जो हैं वो हमारे यहाँ के समीर हैं, ये स्विस ओपन के विनर थे। कराटे से पायल शल्लाम जो हैं वो बिलोंग करती हैं, इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये कुछ मतलब आपको स्पोर्ट्स से भी नाम कई बार आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि जनवरी और फरवरी के क्यों काउंट कर रहे हैं मैम, फरवरी 23 फरवरी को तो हमारा पिछला एग्जामिनेशन था, फरवरी तक के नहीं होंगे। फ्रेंड, जब 23 फरवरी का एग्जामिनेशन था ना, तो उस टाइम पे जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स नहीं उसमें इंक्लूडेड थे, उसमें जनवरी दिसंबर एंड तक के थे, जनवरी और फरवरी नहीं थी। तो अब की बार चांसेस हो सकते हैं कि जनवरी और फरवरी में से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए यहाँ पे जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स भी, क्योंकि पूरा साल हमें करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एमपी रैंक इन अ कस्टम हायरिंग सेंटर, एमपी ने क्या रैंक मिला है उसे कस्टम हायरिंग सेंटर में। अब ये भी बताऊंगी कि कस्टम हायरिंग सेंटर होता क्या है। कस्टम हायरिंग सेंटर होता है हेल्प टू द स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है कि जो छोटे फार्म, छोटे जो किसान होते हैं उनको कम दाम पे, मतलब 40% कुछ लोन उनको प्रोवाइड करके 10 लाख तक का उन्हें लोन दिया जाता है, और उन्हें जो जो मशीनरी चाहिए होती है अपने खेती के लिए, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, जो उन्हें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और हमारी एमपी में कितने 2000 से ज़्यादा यहाँ पे सेंटर हैं कस्टम हायरिंग सेंटर। ठीक है, और ये जो इसके अंदर इंडिया के अंदर इसका जो रैंक है वो पहला रैंक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एमपी में ही है। एमपी लॉन्च द ऐप फॉर अटेंडेंस फॉर द टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। अब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बहुत कम स्कूल में जाते हैं और पढ़ाते भी बहुत कम है, तो उनको एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऐप, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे,
दैट द नेम इज एम शिक्षा मित्र। एम शिक्षा मित्र यहाँ पे उनको रोज अपना लॉग इन करना होगा, अपनी अटेंडेंस देनी होगी। कहीं कहीं इनके अंदर ये भी प्रावधान है कि आपको कुछ इमेजेस भी भेजने होंगे कि आप स्कूल में पहुंचे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर यहाँ पे ड्रॉप आउट या फिर स्कूल छोड़ने के चांसेस MP के स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। तो इसको कुछ स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। मुकुंदपुर टाइगर सफारी इज लोकेटेड इन रीवा के अंदर है, जो ये फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी है। यहाँ पे रीवा के अंदर आपको पता होगा कि सफ़ेद शेरों की प्रजाति पाई जाती है, ये मुकुंदपुर टाइगर सफारी। अब कई जगह इसका आंसर एट इन सतना भी दिया हुआ है, तो आई डोंट नो वाई, बिकॉज ये रीवा के अंदर है, क्योंकि ये रीवा से कुछ 12 किलोमीटर पे ये मुकुंदपुर टाइगर सफारी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेरा इज एस्टेब्लिश्ड ऑन। रेरा कहाँ पे मतलब कब एस्टेब्लिश्ड हुआ MP के अंदर, तो ये अब एस्टेब्लिश्ड हुआ था फ्रेंड्स 1 मई 2017 में। और रेरा है क्या, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है रेरा, और 1 मई 2017 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। स्टेट लॉन्च मोबाइल ऐप पॉल्यूशन मीटर टू स्प्रेड द अवेयरनेस अगेंस्ट पॉल्यूशन। हमारी स्टेट राज्य सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है पॉल्यूशन मीटर। ये अवेयरनेस फैलाएगी पॉल्यूशन के बारे में कि यहाँ पे कितना पॉल्यूशन है, आप कौन से एटमॉस्फेयर में कैसी हवा में आप जी रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है इस जगह में, हमें पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये MP सरकार ने ही ये लॉन्च की है। ठीक है, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन इज खजुराहो फेस्ट ऑर्गेनाइज इन द डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, इट इज छतरपुर। इट इज इजी क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल द करंट अफेयर्स ऑफ द फरवरी ऑफ MP से बिलोंग करने वाले यही इतने सारे करंट अफेयर्स थे। मुझे इससे ज़्यादा कुछ थे बट वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगे एज पर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज सब कुछ कवर अप करेंगे। हिंदू PIB करंट अफेयर्स मैगजीन से मैंने ये सारा डाटा उठा के आपके लिए बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम क्वेश्चन है, बहुत ही यूजफुल और स्ट्रीमलाइन डाटा है आपके लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी। इंडिया की सबसे पहली रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी कहां बनाई गई, तो मुंबई, दिल्ली, गुजरात, बेंगलोर। आंसर इज सी, दैट इज गुजरात इन वडोदरा। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ग्रीन्स इज रिलेटेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो इनके प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसके लिए लोग क्या इन्हें उगाना कम कर दिया लोगों ने, तो इसकी वजह से इनके लिए ऑपरेशन ग्रीन्स चलाया गया। टोमेटो पोटेटो ओनियन एंड स्पाइनच, द आंसर इज ABC, जिसे टॉप के नाम से भी जाता जाता है कि टॉप स्कीम या टॉप ऑपरेशन। ठीक है, द नेक्स्ट इज शगुन पोर्टल इज रिलेटेड टू। शगुन पोर्टल किससे रिलेट करता है, मैरिज लिस्ट, स्कूल एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान या एम्प्लॉयमेंट गारंटी। द आंसर इज B and C। ये स्कूल एजुकेशन के लिए लॉन्च हुआ था शगुन पोर्टल, जिसमें कि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देखी जाती है कि सर्व शिक्षा अभियान की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, तो दोनों ही आ सकते हैं यहाँ पे। और ये लॉन्च किया था हमारी HRD मिनिस्ट्री द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। द नेक्स्ट इज इंडिया मोरक्को कॉपरेशन एग्रीमेंट इज ऑन। इंडिया और मोरक्को जो साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है, इस दोनों ने आपस में किस चीज़ के अंदर कोऑपरेशन किया, रेलवे, फिल्म इंडस्ट्री, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। द आंसर इज ए, इन्होंने आपस में रेलवे के बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। अगर पूछा जाए फिल्म प्रोडक्शन के साथ हमने किसके साथ एग्रीमेंट किया, तो वो इसराइल के साथ किया है। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए हमने जर्मनी के साथ कोलैबोरेट किया है, जो जर्मनी हमें स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी फंडिंग कर रही है। कौन कौन सी सिटी बना रही है, अगर ये भी आपको पता चलना होना चाहिए कि जर्मनी कौन कौन सी स्मार्ट सिटी के लिए फंडिंग कर रही है, तो वो कर रही है कोची, कोयम्बटूर और भुवनेश्वर। ये याद रखने वाली बात है कि कोची, कोयम्बटूर एंड भुवनेश्वर, CBK। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के लिए हमने केन्या के साथ, ये भी अफ्रीका की कंट्री है, केन्या के साथ हमने कॉपरेशन एग्रीमेंट की है। सरस इज वॉट कॉपरेशन मिल्क डेयरी, एयरक्राफ्ट, मिसाइल, सबमरीन। तो बिल्कुल सही है कि कॉपरेशन मिल्क डेयरी है, बट यहाँ पे उसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। कॉपरेटिव मिल्क डेयरी है ये राजस्थान की, बट यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है दैट इज इट्स एयरक्राफ्ट। ये एक एयरक्राफ्ट है, इंडिजीनियस लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसकी सेकेंड टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है सक्सेसफुली, ये टेस्ट फ्लाइट इसने। ठीक है, द नेक्स्ट इज इंडिया साइन द कॉपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी विद। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए किसके साथ कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन की है, चिली, फिजी, जॉर्डन और मैसिडोनिया। द आंसर इज बी, एट इज फिजी। फिजी क्या है, एक मतलब भी आइलैंड का ग्रुप है जिसे बोलते हैं आर्किपेलागो, जो 300 से ज्यादा यहां पे आइलैंड है, उनका ग्रुप था साउथ पैसिफिक के अंदर। ठीक है,
जॉर्डन और मैसिडोनिया के साथ हमने हेल्थ सेक्टर के लिए जो है कॉपरेशन किया है। इंडियाज फर्स्ट ट्रैश फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन, ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स में भी पूछा था, जिसमें मैंने पूछा था कि कचरा महोत्सव, तो यहाँ पे अगर आपको ट्रैश नाम भी आ जाए तो भी पता होना चाहिए, ट्रैश का मतलब वेस्ट मटीरियल ही होता है, कचरा ही होता है। तो वो सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया था छत्तीसगढ़ ने, पहला ये एक स्टेट था जिसने ऐसा फेस्ट ऑर्गेनाइज किया रायपुर के अंदर। गांधी लेप्रोसी अवार्ड 2017 गिवन टू, अब गांधी लेप्रोसी अवार्ड, अभी ये दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक दिया जाता है हमारे इंडिया में इंटरनेशनल गांधी पीस अवार्ड, ठीक है, ये 1995 में शुरू हुए थे, एक दिया जाता है गांधी लेप्रोसी अवार्ड, अब ये जो लेप्रोसी में जो अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है, तो ये अब की बार जो दिया गया 2017 का, ये जो 2017 का साल था पर वो दिया 2018 में था, डॉक्टर MD गुप्ता और डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया ये 25 फरवरी 2018 को। और जो इंटरनेशनल गांधी पीस अवार्ड थे वो 1995 में स्टार्ट हुए थे, क्योंकि तब 125th बर्थ एनिवर्सरी थी गांधी जी की, ये हर 4 साल बाद दिए जाते हैं। जो इसरो को मिला था 2014 के अंदर, बट इसके अंदर 13 के अंदर जो मिला था चंदी प्रसाद को, और उससे पहले 3 के अंदर मिला था, बीच में नहीं मिला था, तो वो एक बार 13 को दे दिया गया और फिर 14 को दे दिया गया, क्योंकि 3 के बाद में कोई नहीं मिला था, तो 3 को जो 2003 में दिया था वो दिया था डेशमोंड टोटू को, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, कि ये इंटरनेशनल है तो यहाँ पे बाहर से भी आ सकते हैं, नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है ये इंटरनेशनल गांधी पीस अवार्ड हमारे इंडिया से। सृजन पोर्टल इज रिलेट टू, सृजन पोर्टल किससे रिलेट करता है, हेल्थ, रेलवे, सैनिटेशन या एग्रीकल्चर, तो ये रिलेट करता है रेलवे से, इसका मतलब होता है स्टेशन रिजनोवेशन इनिशिएटिव थ्रू ज्वाइंट एक्शन, मतलब कि स्टेशन को रिजनोवेट करना, उनको और ज़्यादा बेहतर बनाना है, स्टेशन इंडियन जो स्टेशन हैं हमारे ज्वाइंट एक्शन से, इसके अंदर 3635 स्टेशन को यहाँ पर लिया गया है इसके लिए। नेक्स्ट इज AIIB फाउंडेशन ईयर, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का फाउंडेशन ईयर कब है, 2015, 16, 17 या 14, द आंसर इज बी 2016 के अंदर बना था, क्योंकि पहले हमें क्या करना पड़ता था हर चीज़ के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए या IMF है हमें उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, तो एशियन कंट्रीज़ ने सोचा कि क्यों ना हम ही अपना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनाएं, तो इन्होंने अपना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है ये बैंक हमें, इसके अंदर अभी तक जो हो गए हैं टोटल 87 मेंबर्स आ गए हैं, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना के अंदर। 2018 के अंदर जो इसका थीम था दैट इज मोबिलाइजिंग द फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस देते और इनोवेशन के लिए एंड कोलैबोरेशन। कुसुम स्कीम इज रिलेटिव टू, कुसुम स्कीम किससे रिलेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, फार्मर्स या एम्प्लॉयमेंट, द आंसर इज ए इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर इसके अंदर एग्रीकल्चर भी दिया हो आपको तो ये देखिए यहाँ पर स्कीम का नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं एंड उत्थान महाअभियान, जिसमें सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे बैरन लैंड्स पे, जिसमें बैरन लैंड पे सोलर पैनल लगाने के लिए तुम्हें 60% सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि बैरन लैंड को वैसे तो कोई यूज़ नहीं कर सकते तो, बट हमें सोलर पैनल तो वहाँ पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप याद रखिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्कीम है, अगर कहीं ये ना लिख के एग्रीकल्चर या किसान, मतलब ये किसान की ऊर्जा सुरक्षा, मतलब कि किसानों को अपने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर लगातार जो अगर बिजली कहीं पे नहीं मिल पा रही है 24 आवर्स, तो वो इससे बिजली ले सकता है क्योंकि वहाँ पे अपने वो सोलर पैनल लगा सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेजरली ये स्कीम है सोलर पैनल्स के लिए, तो सोलर पैनल लिखा हो या इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो, ठीक है, तो उसके लिए आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज गोलियथ ग्रुपर इज अ स्पीशीज ऑफ स्नेक, फिश, फ्लाइस और अर्थवर्म, द आंसर इज बी ये एक फिश की स्पीसीज है जो अटलांटिक के अंदर मिलती है हमें, ये लार्ज साल्ट वाटर फिश होती है जिसे जू फिश के नाम से भी जाना जाता है और ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में काउंट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज महामस्ता अभिषेक इज ऑफ द बाहुबली, जो गोमटेश्वर है बाहुबली जी के स्टैचू का ऑर्गेनाइज हुआ कहाँ पे, जो महामस्ता अभिषेक देवास, उज्जैन, कर्नाटका और गुजरात, आंसर इज सी एट कर्नाटका के अंदर हुआ, श्रवण बेलगोला के अंदर जो हसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ये जो मस्त अभिषेक किया जाता है गोमटेश्वर जी के स्टैचू का वो 12 साल में एक बार किया जाता है, और ये जो था अब की बार जो उनका वो 88th था, सबसे पहला 1981 AD के अंदर किया गया था, दूसरा 21st सेंचुरी में आया और अब ये 88th बनाया गया है इसका, ठीक है। द नेक्स्ट इज पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज कितनी है, 250, 350, 500 और 750, द आंसर इज बी 350 किलोमीटर, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, हाँ ये इंडिया के द्वारा ही बनाई गई है DRDO द्वारा। PM मोदी इनोग्रेटेड द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इज एट, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और इराक, तो PM मोदी जी ने
यूएई अबू धाबी के अंदर ये जो था ये हिंदू टेंपल का इनॉग्रेशन किया था। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज इन ईयर 2017, कितना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है पूरे 2017 के अंदर, 1%, 2%, 3%, 4%, क्योंकि अभी ये फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि 2017 में कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ है, ओनली 1%, जिसमें से एमपी को बोला गया है कि एमपी इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, एमपी के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर जो इंक्रीज हुआ है वो आंध्रा के अंदर इंक्रीज हुआ है, और जो डिक्रीज हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा मिजोरम के अंदर सबसे कम, सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है मिजोरम के अंदर, क्योंकि अब वो डेवलपमेंट वाले की फेज़ के अंदर जा चुके हैं, वहाँ पे उनको जो पेड़ों को काट के वो अपने डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगा रहे हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहले बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, अब वो कम हो रहे हैं। नेक्स्ट इज अस्मिता योजना ऑफ महाराष्ट्र रिलेट्स टू वाट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन हाइजीन, वुमेन सेफ्टी और वुमेन एजुकेशन। जो अस्मिता स्कीम है जो महाराष्ट्र में चलाई गई है वो वुमेन हाइजीन को लेकर है, ये इसके अंदर सैनिटरी पैड्स 5 रुपए के अंदर दिए जाएंगे फॉर वुमेन ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है, हिकी डेज वाज ऑब्जर्व्ड ऑन एनिवर्सरी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये हिकी डे, जेम्स अगस्टस हिकी, बंगाल गजट न्यूज़पेपर, हैप्पीनेस मिनिस्ट्री या फॉरेन पॉलिसी। हिकी डे जो ऑब्जर्व किया जाता है ये एनिवर्सरी होती है, ट्रिकी क्वेश्चन, इट्स बंगाल गजट जो न्यूज़पेपर, हमारा सबसे पहला जो न्यूज़पेपर इंडिया का निकला था उसकी एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है हिकी डे, जो 29 जनवरी को मनाया जाता है, ये जो अभी था वो 238th एनिवर्सरी थी और इंडिया का ये पहला न्यूज़पेपर था। हिकी किसको बोला जाता है, ये हिकी, जेम्स अगस्टर जो हिकी थे ये फाउंडर थे जर्नलिज्म ऑफ इंडिया, इसलिए इसे नाम दे दिया गया हिकी डे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट, ट्रिकी एंड यूजफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी लॉन्च फर्स्ट एडिशन ऑफ विम्बैक्स, विद पहला एडिशन था ये विम्बेक्स का, किसके साथ किया आर्मी जो एक्सरसाइज थी, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, वेनेजुएला, द आंसर इज सी, वियतनाम के साथ किया, और जो म्यांमार के साथ करते हैं उसे बोलते हैं इम्बेक्स, जो मेघालय में हुई थी अभी। ओकन फोर्ड द साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2018, साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किसको दिया गया था, आंसर इज एश शहेज आनंद मधुकर, जो मगही के, मगही लैंग्वेज के राइटर एंड स्कॉलर है। द नेक्स्ट इज विच कंपनी लॉन्च द पब्लिक इनिशिएटिव हैश सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चेक किया, हैश सिक्योरिटी चेक किया, दिस इज इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन और फ्लिपकार्ट, द आंसर इज बी, बाय गूगल, ताकि लोगों को अवेयरनेस फैला सके इंटरनेट सेफ्टी के लिए। ठीक है, पेलिकन बर्ड फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन द स्टेट, पेलिकन बर्ड फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, ओडिशा, आंध्र, केरला, तमिलनाडु, द आंसर इज बी, आंध्र प्रदेश में हुआ, अट्टापक्का बर्ड, बर्ड सेंचुरी के अंदर, कोलेरू लेक के अंदर। ठीक है, द नेक्स्ट इज काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन द स्टेट, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कश्मीर, दिल्ली, मुंबई या महाराष्ट्र के अंदर, द आंसर इज सी, मुंबई, सी, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है, ये हमेशा सेकेंड संडे ऑफ फरवरी को मनाया जाता है, ये आर्ट फेस्टिवल होता है काला घोड़ा। अनु कुमार गवर्नमेंट गोल्ड मेडल, गॉट गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, बिलोंग टू द स्पोर्ट रेस, टेबल टेनिस, कराटे या स्विमिंग। जो अनु कुमार हैं वो रेस से बिलोंग करते हैं, ये अंडर 17 गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, टीम वोन अंडर 19 वर्ल्ड कप एट न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड, द आंसर इज बी, इंडिया। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कहाँ पे बना लगाया गया, कोलेरू लेक, चिल्का लेक, नेक नामपुर लेक या पुलिकट लेक, द आंसर इज सी, नेक नामपुर लेक, जो हैदराबाद के अंदर है, इसमें पानी में तैरते हुए पौधे हैं जिन्हें सॉइल की जरूरत नहीं है, वो पानी से ही अपना पोषक लेते हैं और वो उग जाते हैं, तो इसे बोलते हैं फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड। ठीक है, द नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड 25th रेजिंग डे ऑफ पीस, 250वीं रेजिंग डे किसका बनाया गया, 4 फरवरी को, मराठा लाइट इन्फेंट्री, सिख रेजिमेंट या डोगरा रेजिमेंट या राजपूताना राइफल्स, द आंसर इज ए, मराठा लाइट इन्फेंट्री। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ आईसीसी बोर्ड, अब आप इसे इंडियन क्रिकेट काउंसिल मत समझ लीजिएगा, ये है इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के फर्स्ट फीमेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बनी है, किरण मजूमदार, इंदिरा नुई, अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोतर, आंसर इज बी, दैट इज इंदिरा नुई, जो पेप्सिको की पहले फाउंडर रह चुकी हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मीना माता कन्वेंशन ऑन द यूज ऑफ, मीना माता कन्वेंशन, मीना माता एक डिजीज हो जाती है किसकी कंजप्शन से, आर्सेनिक, मर्करी, लेड और टाइटेनियम,
तो ये हो जाती है मरकरी की कंजेप्शन से। यूनाइटेड नेशन ने भी ये मिनामाता कन्वेंशन की थी, उसके बाद में हमारे यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया था और मिनामाता कन्वेंशन लेके आया था ताकि मरकरी की कंजप्शन को रोका जा सके। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज विजिटेड द जनाद्रिया फेस्ट ऑफ द कल्चर इन विच कंट्री, वहाँ पर ये गई सुषमा स्वराज और वहाँ पर उन्होंने जनाद्रिया फेस्ट को इनाग्रेट किया। वो कौन सा कंट्री है जो ये जनाद्रिया कल्चरल फेस्ट बनाता है, यूएई, सऊदी अरेबिया, मोरक्को या इराक? द आंसर इज बी, दैट इज सऊदी अरेबिया। हु इज रिफ्लेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट जो दोबारा रीइलेक्ट होकर आए वो कौन है, महबूबा मुफ्ती, शेख हसीना, अब्दुल हमीद या फखरुद्दीन अहमद? द आंसर इज सी, अब्दुल हमीद दोबारा यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ बांग्लादेश। महबूबा मुफ्ती जी हैं जो वो सीएम थी जम्मू कश्मीर की टिल जून 2018, उसके बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि जब बीजेपी ने अपना समर्थन ले लिया था। उसके बाद में फारूक अब्दुल्ला जी वहां के सीएम बनाए गए और जो शेख हसीना जी हैं वो पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद। तो हमें अपने नेटिव्स का तो पता होना चाहिए कि कौन प्रेसिडेंट ऑफ और पीएम है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ चैट बेस्ड जॉब सर्च ऐप, चैट बेस्ड एक जॉब सर्चिंग ऐप लॉन्च की है इंडिया ने सबसे पहली, वर्कज़िला, पेज़िला, एम्पज़िला या डोज़िला? द आंसर इज सी, एम्पज़िला। यहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करके और चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गोवर्धन योजना लॉन्च इन अ स्टेट, गोवर्धन योजना कहाँ पे लॉन्च हुई, एमपी, महाराष्ट्र या हरियाणा या पंजाब? द आंसर इसी हरियाणा में लॉन्च की गई थी। यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो शॉप्स हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट शॉप हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड की जाएगी और काउ यूरिन दिया जाएगा फार्मर्स को ताकि उसे वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के वे से यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट इज ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा भी मिले। फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च बाय नासा, इसरो, जाक्सा या स्पेसएक्स? जो फाल्कन हैवी रॉकेट वो स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया, ये पता होना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉकेट है। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर कौन बनाएंगी, सबसे पहली वुमेन है? अभिलाषा कुमारी, वीना मेहता, रानी कुमारी या ऋतिका सिन्हा? द आंसर इज अभिलाषा कुमारी। स्टेट लॉन्च बाइक एम्बुलेंस सर्विस, बाइक पे एम्बुलेंस सर्विस, उसे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी, हेल्थ बेनिफिट, महाराष्ट्र, गोवा, केरला और तमिलनाडु? द आंसर इज बी, केरला। मनोहर पर्रिकर उनके सीएम हैं, उन्होंने इन्हें इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट इज सॉरी, स्टेट बैन यूज ऑफ अ लूज सिगरेट एंड ई सिगरेट, जिन्होंने लूज, जो एक एक सिगरेट ले मिल जाती है आपको ठेलों पे, उससे बैन किया है, और ई सिगरेट, ई सिगरेट होती है फ्रेंड जो सिगरेट जैसा फील करवाती है, कुछ निकोटीन होता है उसमें, वेपर वेपर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, जो मतलब वैम्पिंग के लिए या छोड़ने के लिए जो मतलब सिगरेट को इन ऑल्टरनेटिव का यूज किया जाता है, इनको भी बैन कर दिया है। कौन से राज्य की सरकार ने, यूपी, एमपी, बिहार या गुजरात? तो बिहार ने इन्हें बैन कर दिया, ना कि इक्का दुक्का सिगरेट मिलेगी, ना ही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आपको प्रोवाइड होगी। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा इन्होंने लॉन्च किया ये। विच कंपनी पार्टनर्ड विद paisabazaar.com फॉर बिल्डिंग द इंडस्ट्री फर्स्ट टेक्नोलॉजी, कौन सी कंपनी पार्टनर करेगी paisabazaar.com के साथ ताकि इंडस्ट्री फर्स्ट टेक्नोलॉजी बना सके? तो वो करेगी माइक्रोसॉफ्ट के साथ। द नेक्स्ट इज फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट हेल्ड इन, जैसे कि यूएन ने हमने प्रपोज किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये जो पहला सोलर अलायंस समिट हुआ था वो इंडिया के अंदर ही हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट इज डार्विन वीक ऑब्जर्व्ड इन यूके, यूएसए, कलकत्ता या मुंबई? द आंसर इज कलकत्ता, सी के अंदर हुआ था। क्यों हुआ ये डार्विन वीक, ये साइंटिस्ट ने इन्हें बनाया ताकि वो बर्थ एनिवर्सरी मोरेट कर सकें चार्ल्स डार्विन की, जो 12 फरवरी 1809 में जिनका जन्म हुआ था, ठीक है। द नेक्स्ट इज बैंक अनाउंस्ड एंड इट्स ऑपरेशन इन साउथ अफ्रीका, किस बैंक ने अपने ऑपरेशन साउथ अफ्रीका में बंद कर दिए हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी इंडिया या आईडीएफसी? द आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने साउथ अफ्रीका में सारे ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है, और जो सिटी इंडिया बैंक है उन्होंने बैन कर दिया है यूज ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड का, क्रिप्टो करेंसी की जो भी लेन देन है वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड से आप नहीं कर सकते, सिटी इंडिया ने ये बैन किया है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, इंडिया का सबसे पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, ऑनलाइन आप रेडियो देख सकते हैं, आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए आपको वहीं का रेडियो, आपको कहीं पर क्लिक करना, आप यहीं पर बैठे इंदौर में बैठे, चंडीगढ़ या कहीं का, केरला का, तमिलनाडु का, सभी के रेडियो स्टेशन की कवरेज आपको मिल जाएगी बाय द ऐप उमंग रेडियो, ठीक है। Who launched the book Even, book Even When There Is a Doctor? ये किसने लॉन्च की, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? तो ये सचिन तेंदुलकर ने लॉन्च करी थी, और राइट किसने करी थी, डॉक्टर यशवंत अंबेडकर और राजेश चौखानी ने, ठीक है।
इंडियन नेवी गॉट एक्सेस टू द यूज ऑफ ओमान पोर्ट फॉर द मिलिट्री वेसल. अब इंडियन नेवी यूज कर सकती है ओमान का एक पोर्ट है उसे अपने मिलिट्री वेसल वहां पे लॉन्च करने के लिए. तो पोर्ट का नाम है DUQM, डुकम, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे, ठीक है. हु हैज बीन कन्फर्ड ग्रैंड कोलर ऑफ अ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बाय प्रेसिडेंट महमूद अब्बास. तो ये जिन्हें ग्रैंड कोलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन की स्टेट ने उन्हें ग्रैंड कोलर का मतलब तगमे से नवाजा, हम किस वहां के प्रेसिडेंट ने महमूद अब्बास जी ने किसे नवाजा, तो वो नवाजा पीएम नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है. विच टीम वॉन द फिफ्थ कॉमनवेल्थ ब्रिज चैंपियनशिप एट ऑस्ट्रेलिया, जिसने पांचवीं कॉमनवेल्थ ब्रिज चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में जीत ली है, तो वो है इंडिया. बहुत ताशबाज है तो इंडिया ने ये जीत ली है, ठीक है. 47 नेम साइक्लोन हिट द ऑस्ट्रेलिया, जो साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया को फैब में हिट किया था उसका नाम क्या है, वॉट डिग्री सेल्सियस और केल्विन, द आंसर इज केल्विन, ठीक है. ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, द आंसर इज शोएब अख्तर. नेक्स्ट इज हु वन द मेन्स सिंगल टाइटल एज रोटरडम ओपन टेनिस टूर्नामेंट. मेन्स सिंगल टाइटल रोटरडम ओपन टूर्नामेंट को किसमें मिला, तो वो दिया गया रॉजर फेडरर को. मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड कंडक्टेड एट, एक मल्टी मिलिट्री जिसमें बहुत सारे देशों की मिलिट्री इंक्लूडेड होती है, ये एक्सरसाइज को नाम दिया गया है कोबरा गोल्ड. ये कहाँ पे कंडक्ट हुई, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या म्यांमार, आंसर इज बी. इसके अंदर एशिया पैसिफिक की जो कंट्री हैं वो भाग लेती हैं, जैसे कि जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारी जो कंट्रीज होती हैं, कंबोडिया, ये सारी इसके अंदर पार्ट लेती हैं, जिसे नाम दिया जाता है कोबरा गोल्ड. और ये हुई कहाँ पे अभी, तो थाईलैंड में, याद रखने की चीज़ है. स्टेट डिक्लेयर द मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री बाय इंस्टॉलिंग द रोबोट नेम बैंडी कूट, ठीक है. इसके अंदर जिस स्टेट ने डिक्लेयर किया दैट इज मैनुअल स्केवेंजिंग फ्री इंस्टॉलिंग रोबोट नेम्ड बैंडीकूट. इसके अंदर अब मैनुअली जो स्केवेंजिंग है वो नहीं की जाएगी, वो जो स्केवेंजिंग है वो रोबोट की हेल्प से की जाएगी, दैट इज नेम इज बैंडीकूट. ये कौन सी सरकार ने डिक्लेयर किया, दैट इज तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और केरला, दैट इज आंसर इज केरला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्री अप्रूव द मोशन टू डिक्लेयर द मंडेरिन इज वन ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज. किस कंट्री ने अप्रूव किया है कि वो मंडेरिन भाषा को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लेंगे, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, द आंसर इज बी, दैट इज पाकिस्तान. जो मंडेरिन है वो मोस्टली जो सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइना की, और चाइना की आपको पता है आबादी सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज बन जाती है वर्ल्ड की. द नेक्स्ट इज इसरो सेकेंड स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च इन अ स्पेस, इसरो की दूसरी स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो स्पेस में लॉन्च हुई है उसका नाम क्या है, द नेम इज एस्ट्रोसेट 2, और पहली जो थी वो थी एस्ट्रोसेट 1, उसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ये दूसरी लॉन्च की गई है, दैट इज एस्ट्रोसेट 2. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटी होस्टेड द स्वच्छगढ़ बापू को कार्यांजलि फेस्ट, ये किसने होस्ट किया, ये होस्ट किया फ्रेंड यूपी में ही वाराणसी के अंदर. इंडियाज रैंक इन अ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया का रैंक क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो दिया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, ये रिलीज किया जाता है, इसके अंदर 180 कंट्रीज को काउंट किया जाता है. तो इसके अंदर इंडिया का कौन सा रैंक था, इंडिया इज ऑन द रैंक ऑफ 81, दैट इज बी इन 180 कंट्रीज, और यही 81 जो रैंक है उसका सेम है इन ग्लोबल इंडेक्स ऑफ टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू कोच फैसिलिटीज बिल्ड इन द स्टेट, एक नई कोच फैक्ट्री लगाई जाएगी, कहां पे लगाई जाएगी, तो वो लगाई जाएगी फ्रेंड्स एट महाराष्ट्र के अंदर लातूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर. द नेक्स्ट इज विच डॉक्यूमेंट्री गॉट द 2 अवार्ड्स एट द रान इंटरनेशनल FICTS फेस्टिवल 2018, तो किस डॉक्यूमेंट्री को 2 अवार्ड नवाजे गए तेहरान इंटरनेशनल फेस्ट के अंदर, तो वो जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है सचिन अ बिलियन ड्रीम्स, ठीक है. तो यू शुड नो अबाउट द सचिन अ बिलियन ड्रीम्स, ए डॉक्यूमेंट्री ऑफ सचिन जिसके अंदर उनकी लाइफ के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई गई है. विच फिल्म वॉन द टॉप प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड, किस फिल्म को टॉप प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड दिया गया, द नेम इज द शेप ऑफ वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी फिल्म, इनके डायरेक्टर वगैरह का भी नाम आपको पता होना चाहिए और जो इसके अंदर एक्टर वगैरह थे उनका भी नाम मालूम होना चाहिए. 59th इज कंपनी लॉन्च इट्स डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, द आंसर इज paisabazaar.com, जिनकी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी एड्स वगैरह मिल जाती होंगी, paisabazaar.com. 60 विच स्टेट एंटर्ड इनटू सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट विद द कैंटोन ऑफ जूरिस्ट,
जो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट होते हुए नज़र आएंगे कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं अपने जो सिटीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए दूसरी जो फॉरेन सिटीज़ हैं या वहाँ की जो एम्बेसीज़ हैं उनके साथ एग्रीमेंट कर रही हैं ताकि उनके जैसा ही उन्हें डेवलप किया जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे स्मार्ट सिटीज़ के लिए एग्रीमेंट हुए हैं। यहाँ पर जो कैंटोन ऑफ जूरीज के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है इज़ विद आंध्र प्रदेश ने ये एग्रीमेंट किया विद द स्विट्जरलैंड एम्बेसी। ये स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है कैंटोन ऑफ जूरीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज़ द थीम ऑफ इंडियन एशियन कमेमोरेटिव समिट एट न्यू दिल्ली। इंडियन एशियन की कमेमोरेटिव जो समिट हुई थी उसका थीम क्या था? तो आपको पता होगा कि इंडियन एशियन के 25 इयर्स कंप्लीट हुए थे हमारे यहाँ पे और उसकी वजह से जो जनवरी की परेड के अंदर वो सभी मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड थे। तो यहाँ पे इसका थीम क्या था जो इनके अंदर जो समिट हुआ था? द थीम इज शेयर्ड वैल्यू कॉमन डेस्टिनी। ठीक है, यू नो द यू कैन रिवाइज इट, शेयर वैल्यू कॉमन डेस्टिनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज वॉन बाय, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो किसने जीती? द आंसर इज बी, दैट इज दिल्ली। और ये मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है यहाँ पे, ये एक T20 डोमेस्टिक चैंपियनशिप होती है जो किसके बीच में खेली जाती है, जो रणजी ट्रॉफी के विनर्स होते हैं उनके बीच में ये खेली जाती है, सैयद मुश्ताक अली। ठीक है, द नेक्स्ट इज हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2017 बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, हिंदी भाषा के एक शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2017 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ये नवाजा, तो वो कौन थी? बाहुबली, आधार, मित्रों या कटप्पा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बट ये वर्ड नहीं था। द आंसर इज बी, दैट इज आधार। यू शुड नो, एंड क्योंकि आधार अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहा था। यूनिक आइडेंटिटी है ये जो हमारी इंडिया के अंदर लॉन्गचे 16 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे आईवरी स्केल या हमारे फिंगरप्रिंट सभी इसके अंदर कंक्लूड होता है। तो आधार जो वर्ड था इट इज़ द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2017 बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। 64th 21st इंटरनेशनल सी फूड फेस्ट हेल्ड इन, जो सी फूड है जो कोस्टल एरियाज के अंदर या जो कोस्टल कंट्रीज होती हैं वहां पे जो कंज्यूम किया जाता है ये वो फेस्ट कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? दैट इज 21st इंटरनेशनल फेस्ट इज एट गोवा, गोवा के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। दिस इज ऑल फॉर दिस पेपर 11। और आई थिंक आपको जो फेब्रवरी के करंट अफेयर्स, मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट थे वो यहां पे कंक्लूड, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आपका रह गया होगा। ठीक है, दिस इज सिलेबस फॉर टेस्ट पेपर 12। ये टेस्ट पेपर 12 के लिए आपका सिलेबस है जिसके अंदर एमपी की आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आनी है पूरी की पूरी, लेजिस्लेचर कितनी कौन सी पार्टीज होती है, पुलिस डिपार्टमेंट, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, सीएम की जो पूरी लिस्ट, मतलब कौन कौन से सीएम अभी तक रह चुके हैं, गवर्नर कौन से रह चुके हैं, पंचायती राज, लोकायुक्त, पब्लिक सर्विस कमीशन और ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ के आना है। और उसके साथ ही आपका एक फुल लेंथ टेस्ट भी होगा ऑन संडे 2nd January 2018। दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड कमेंट फॉर द वीक वेट, प्लीज कमेंट फॉर द फीडबैक, और सब्सक्राइब कीजिए बहुत जल्दी से ताकि आपका कोई भी लॉस ना हो। लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट एंड शेयर फॉर हेल्पिंग टू द अदर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।